सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ मस्त। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तो ये नीचे नाम है, तो जाके हमारे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बिग बॉस के एक वीडियो पर रिएक्शन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं। हाँ स्टैनी का कुछ अलग ही चल रहा है। अच्छा था यार। और अगर जवाब थैंक यू। डांस वांस हो गया, वार्म अप हो गए हैं लोग, थोड़ा मस्ती करी जाए। अब एक काम करते हैं, ये जो मेल सदस्य हैं इनको एक एक करके बुलाएंगे, एक वैक्सिंग चेयर उस पे जरा इनको बिठा दिया जाएगा और बाकी जो सदस्य हैं उनसे सवाल पूछेंगे और अगर जवाब हाँ दिया तो वैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले वैक्स करेंगे सबको। एमसी रेडी? मेल सदस्य वैक्स करेंगे। मस्ती ने नहीं क्या बोले तो रावस एकदम अच्छे सर। सबसे पहले यही आएगा, आ जाओ जैकेट वैकेट पीछे रख के। अरे सोफा पीछे रख के आ रहा है, पहन के आएगा। अर्चना बहुत अच्छी लग रही हो तुम आज वैसे। थैंक यू सो मच। आ जाओ फिर जरा। अच्छा नहीं मतलब मैं सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक है? अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो हर हाँ पर स्टैन की वैक्सिंग होगी। ठीक है, ठीक है। सवाल के लिए, क्या स्टैन को और कपड़े चाहिए बुबा के सूंघने के लिए? उसको सूंघने के लिए और कपड़े चाहिए। ठीक है, अर्चना ने कहा तो क्या बोलती है अर्चना? क्या बोलती है पागल? रहम कर यार, आई समझ। तो ये सही में कर रही है, लड़के बालों में चिपक गया तो गड़बड़ हो जाएगी, हिलना नहीं जाता। मैंने अपने पूर्वजों को याद कर लो, ये असली में वैक्स करने लगे हैं क्या? अरे वो चिपक गया, रुक जा, नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, हमने कहा। अगर निकला ना मैं तेरे पूरे मुंह के मुझे आती वैक्सिंग करना भैया। अरे अंदर से कलर ही अलग निकला इसका, अरे इतने सारे बाल निकल गए। अरे बाप रे बाप, ये तू बता दर्द हुआ? अच्छा शालीन, क्या स्टैन को अपने फैंस का सपोर्ट होने की वजह से थोड़ी चर्बी चढ़ेली है क्या? नहीं मतलब उसके फैन के सपोर्ट बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा फैन का सपोर्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको इस बात की चर्बी चढ़ी है। इनफैक्ट वो उल्टा करता है कि वो बोलता है भाई मेरे इतने फैन, मैं जाना जा रहा हूँ फिर भी नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि इतने फैंस हैं। तो चर्बी अच्छा, तो नहीं चढ़ी है। चर्बी नहीं चढ़ी है? नहीं नहीं, बच गया स्टैन। अरे 250 ग्राम बच गया तेरा, नहीं तो निकल जाता 250 ग्राम। अगला सवाल मैं पूछूंगा प्रियंका से, क्या स्टैन सौंदर्य की दया से कैप्टन बना है? तुम तो वेट कर रही थी हाँ बोलने के लिए, ये वेट कर रही थी हाँ बोलने के लिए। ये मेरा जवाब था ना स्टैन, थोड़ा सा तो लगना था। स्टैन जाजा से निकल रहा है, लड़की लोग जाजा से निकल रहा है, जो जो जिसके कारण निकल रहा है टैटू करवा ले लड़की। चलिए अगला जो है वो कुर्सी पे मैं साजिद सर से पूछना चाहूंगा। साजिद सर हाँ, किसको बिठाएं आप बताओ? एक काम करते हैं आप ही बैठ जाओ, आइए जाके बताइए। अरे बैठ दे रहे हैं, क्या बात है शिव। हाँ सर, लंबे हो गए। क्या साजिद सर की हर फिल्म का टाइटल एच से स्टार्ट होता है? स्टूपिड क्वेश्चन। हाँ सर,
बहुत की थी, मैं एक शो में लड़की बनता था तो तभी सुरेश मेनन और मैं प्रॉपर पार्लर जाके वैक्सिंग कराते थे। फिर थोड़े टाइम बाद हमको डिस्काउंट भी मिलने लगा तो फिर एक साल बाद वो पार्लर बंद हो गया। आज वापस वही यादें ताजा हो रही है। ये अच्छा था एकदम दर्द हुआ ना? हाँ तो हुआ ना, तो तुझे बोला दर्द नहीं होगा, इसे तो मीठा मीठा दर्द, ये मीठा मीठा है। अर्चना, क्या साजिद सर इस सीजन के बाद किसी ना किसी को अपनी फिल्म में रोल देंगे? वो देखो तुम्हें देख कैसे रहे, एक बार नजरें देख लो उनकी। सर मुझे लगता है हाँ, क्योंकि दिल से दिल का कनेक्शन हो गया है यहाँ पे। ना बोल सर, इसमें ना भी बोल सकती थी, इसने जान के हाँ किया है, ठीक है निकाले। ओके, एक आखिरी सवाल प्रियंका तुमसे। साजिद सर हमेशा कहते हैं कि उन्हें अपनी हार जीत से कुछ लेना देना नहीं है, पर अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाते, हाँ या ना? हाँ, मुझे कब हारते हुए देखा? नहीं आप, लेकिन वो कर देते ना कि मुझे नॉमिनेट कर दो, फिर आपको बुरा लग जाता है। कब कब एक होता है कैप्टनशिप में भी साजिद जी, अब क्या कब एक बार किसी को लगा मेरे को बुरा लगा है? अरे पॉइंट है नहीं, पता नहीं लगता है सर। अभी ना जनता को ऐसा दिखाइए, दिखा दे, हेयर टुडे गॉन टुमारो, चल चल, एक दो सब जल गया थे, उल्टी तरफ निकाला इसने सर, इडियट, वापस मत करो, अरे हो गया यार, पूरे टाइम रख कर दी। मनीष I owe you one. हो गया क्या? थैंक यू अर्चना। अच्छा हाँ जी शिव। हाँ सर आइए। नहीं मैं आपको सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, आपको बिठा रहा हूँ। शिव आपने कभी वैक्सीन करी है? नहीं सर। सौंदर्य ये सवाल तुमसे ही है। हाँ। क्या शिव साजिद सर की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं? हाँ। ऑल राइट, अब आगे क्या करना है आपको बताइए। ऐसा लग रहा है तुम्हें आदत है इसकी, बचपन से नहीं निकाले थे मैंने। ओके नेक्स्ट। अगला सवाल अर्चना से, क्या आपको लगता है कि प्रियंका किसी सीरियल में वैम्प का रोल अच्छे से निभा पाएगी? सर मुझे ऐसा लगता है कि वो निगेटिव ही हरकत करेगी तो निगेटिव ही मिलेगा, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से निभाएगी वो। तो आपका जवाब है हाँ, निगेटिव। हाँ हाँ, प्रियंका और अर्चना। अरे इसमें तुम्हारा हाथ नहीं है, इसमें तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा पैर है। ओके इधर ही करना जिधर दर्द नहीं है ना। अगला सवाल मैं पूछूंगा निमृत से। निमृत, क्या आपको लगता है कि बिग बॉस को शिव के लिए एक वाइल्ड कार्ड लड़की अंदर भेज देनी चाहिए? ये हुई बात। मनीष सर अगर सच्ची में भेज रहे हैं बिग बॉस तो उसके लिए दो तीन ले लूंगा मैं। जितनी वैक्सिंग हो रही है मुझे लग रहा है तुम खुद थोड़ी देर में लड़की बन सकते हो। चलो आपके लिए बहुत हो गया यार, बहुत बहुत प्लीज आ जाओ बैठो यार। अगला चेयर पे बिठाना चाहूंगा शालीन को, जिसकी मुंडी सबसे ज्यादा हिल रही है। शालीन आई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या आप शालीन के पैर वैक्स करना चाहती हैं? अरे लवली, तो पहले ही सवाल का जवाब हाँ आ चुका है। गाइस मेरे को बताना अगर डायरेक्शन सही है। अरे तुमको आता नहीं है? अरे तो ऑपरेशन थोड़ी है, तो आना है इसमें बाल ही निकालना है। हाँ और क्या। पहला सवाल अर्चना के लिए, क्या शालीन घर पर तब ज्यादा खुश थे जब टीना घर पे नहीं थी? हाँ, हाँ, तब वो आजाद था। ओके चलो इन सवालों के जो आपस में जवाब आएंगे। वन टू ये जो कपकपी छिड़ी तुम्हें दिख रही है सिर्फ, क्या शालीन को लगता है कि वो इस घर के लीड हीरो है?
ऑब्वियसली हाँ सर, मतलब इसमें क्या है, उसे हमेशा लगता है सर सवेरे शाम दोपहर लगा पागल। हम लोग वो बड़े वाले वो है कि क्या मल्टी स्टारर शेफ टूर में मल्टी स्टारर है, ये क्या कर रहा है, अरे क्यों ऐसा कर रहा है, दोनों ही हीरो हैं अपन लोग। अरे यार बट मेरा सवाल आधा ही हुआ था अभी। क्या तो दोस्तों फुल मजा आया वीडियो देख के, और आपके वीडियो कैसी लगी है, एकदम आनंद आ गया वीडियो देख के। तो आपकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करें लाइक और चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी इसी तरह की वीडियो में कुछ अच्छे से रिएक्शन में, और हमारे ब्लॉग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।